I'll hold it. This year, for lighting the lamp, we have made this. Okay. Because inside, if we light the lamp, our statues become little smoke in the black. That's why we have ants here. Very antique, using clay and just stone. No? Real engineering. Yeah. So many century tested. Century, yeah. Almost, it is range with the Tang Monastery. Like back in the days, like we hardly used nails and things. It was all so interlocking. Interlock system and fireproof. They were sealing. In between, we give this bamboo cover. It's called a bit grasses to avoid the keep the wall strong. And that too, in sitting also, we had the layer of mud. Namaste, sir. Namaste. क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, सबको यही पता है कि सिद्धार्थ बुद्धा बने और जो भी वहाँ पे दूसरे स्टेट्स में रहते हैं जी। तो आप ये गुम्पा के बारे में बताएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा और लोग और भी लोग आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जी। ये गुम्पा, हम लोग गुम्पा बोलते हैं मोनेस्ट्री, जिसका नाम जेंगबू बोलते हैं। और ये लगभग 300 वर्ष पुराना है। प्रोटेक्शन करने वाला एक स्थल भी मानता है इस गुम्पा में। जो भी विश मांगता है, जो भी आप शुभकामनाएं, कुछ भी चीज़ आपका हो, यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आता है। तो उसके अलावा यहाँ पर एक अपना एक अलग से एक परंपरा है, जो कि सालाना जैसे वार्षिक पूजा के तहत माना जाता है। इसे 300 या जैसे 350 साल मान के रखिए, तो उस समय से लेकर अभी तक एक विरासत के तौर पर रखे हुए, अभी भी उन जागृत करके रखे हुए हैं। तो हमें हिंदी भी इतना अच्छा से नहीं आते, फिर भी हम आपको बुद्धिस्ट में जैसे हीनयान और महायान, ये तो सभी जानते हैं। तो हीनयान में कहीं अनेक प्रकार का जो टाइप का होता है, और जो हम लोग जो महायान का जो है, जो हिमालयन क्षेत्र में जो स्थित है, तो उसमें 4 टाइप का होता है। न्यूमा, साक्या, केलू, काग्यो, जो कि हम लोग यहाँ पर 2 समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे कि टाइप एक गेलुक है और एक तेरसर बोलते हैं, तेरसर जो कि न्यूमर टाइप में आता है। तो हम लोग यहाँ पर सब मिल के बैठते हैं, और जो भी जिस यहाँ परंपरा, जो कि वहाँ से गुरु रिम्पोछे, जो कि इस साल 2022 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इसी का जो छात्र छाया में हम लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे कि अभी बताया था कि ये गुम्पा जो है 300 वर्ष पूर्व पुराना है। तो इस गुम्पा को लिखित प्रमाण पत्र द्वारा लिखा गया है कि इस गुम्पा को लामा तेनपे डोनमे नामक जगह गुरु रिम्पोछे जी का जिक्र किया है, उनका 5वां अवतार है। लामा तेनपे डोनमे ने इसका शिलान्यास किया गया था। लामा तेनपे डोनमे का नाम से जानता है, यह प्रतिमा उनका है, जो 2021 का अंतिम महीना में स्थापित किया गया था। इसको जो बोलता है, जो कि इसका असली प्रतिमा जो तिब्बत के ल्हासा में है अभी भी। तो उसके बाद यहाँ का सबसे प्रमुख जो इस मठ का जो रखवाला भी कहा जा सकते हैं, या जैसे प्रोटेक्टर, ये सेंगु छोचों बोलते हैं, इसका अंदर में कोनबो मानिनापो नामक एक महाकाल का एक प्रतिमा रहता है। और जो कि इसे लोग देखने के लिए थोड़ा मतलब डरते हैं, तो इसलिए इसी प्रकार इसे
छुपा के रखते हैं। अच्छा जी, अच्छा। और जो भी लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आता है तो इन्हें ही मांगा जाता है। जी, कवर भी इज लाइक अ पार्क। या कवर इट्स लुक्स लाइक अ पार्क। जैसे कि सर, ये इसको हम लोग काल चक्र का नाम से भी जाना जाता है, जो कि तिब्बती भाषा में इसको सिपा खुरलो बोलते हैं, जो कि हमारा जो काल सभी इसका ऊपर निर्भर करता है। आप जहाँ भी जाइएगा, जो महायान का जो तंत्र या हो, आपको सूत्र का मठ का जो आप मुख्य द्वार में इसी को देखने को मिलेगा। अच्छा जी। क्योंकि इसमें क्या है ये बोलने से, इसमें 6 प्रकार का जीव जंतु रहता है, जो कि इंग्लिश में इसे शायद 6 ह्यूमन बींग्स बोलता है। अच्छा। 6 ह्यूमन बींग्स हमारे जो वर्ल्ड या ब्रह्मांड में 6 ह्यूमन बींग्स ही इसका आधिकारिक तौर पर रहता है। तो उनमें से हम लोग हमारे बौद्ध धर्म का परंपरागत अनुसार कहा जाता है कि इसमें कौन सा जगह में जाना है। अच्छा। जैसे सबसे पहले आपका आता है हेवन आता है, उसके बाद टाइटन आता है, फिर ह्यूमन वर्ल्ड आता है, उसके बाद एनिमल वर्ल्ड आता है, उसके बाद हंग्री गोस्ट आता है। अच्छा। उसके बाद लास्ट में आता है हेल आता है। अच्छा जी। जो कि आपका ऊपर निर्भर करता है, जो आप कौन से रास्ते में जाना चाहते हैं। अच्छा। ये चीज जो है आप यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि एक होता है अनज्ञान, कोई जैसे इसमें सबसे मुख्य जार ये 3 होते हैं, जो कि एक गुस्सा का प्रतीक है, जो क्रोध का प्रतीक है, और एक अनज्ञान का प्रतीक है, और एक जो है हद से ज्यादा चाहत होना, जैसे हद से ज्यादा चाहत होना। इसी को जैसे सबसे पहले आपका देखा गया है, सांप को देखा गया है, जो सांप जो है हमेशा क्रोधित रहता है। अच्छा जी। तो उसके बाद एक मुर्गी को दर्शाया गया है, जो मुर्गी या पक्षी जो कि वो जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा चाहत, जो कि मुर्गी हो पक्षी हो, वो पेट भरने के बाद भी वो अनाज खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो इसी का प्रतीक है। उसके बाद लास्ट में आता है एक सुअर का एक तस्वीर को दर्शाया गया है, ये जो है अनज्ञान का प्रतीक है, जो कि दिन रात सो के वो खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, उसका बाहर का दुनिया में उसको कोई मालूम नहीं है, उसका कोई उसका उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये अनज्ञान होने का वजह से। तो इसीलिए ये 3 का वजह से ही हमें इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बोलने से ये जो 6 ह्यूमन बींग्स का काल चक्र में फंस के बैठा हुआ है, यही बोलते हैं। अच्छा। और बुद्धिस्ट में यही है कि ये काल चक्र से मुक्त होना, इस संसार ये दुखों का समंदर है बोलते, तो ये दुखों का समंदर से हम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले से हमें परिनिर्वाण को प्राप्त करना है। परिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें सत्य का खोज करना है। सत्य का खोज करने के लिए हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अध्ययन करने से पहले क्या करना है, सिर्फ अध्ययन करने से भी नहीं होगा, हमें बोधिचित उसका बाद प्रज्ञा दोनों साथ लेकर चलना है। यदि हम बोधिचित है प्रज्ञा नहीं है, या प्रज्ञा है तो बोधिचित नहीं है, तो आपको फिर अलग सा एक जैसे कि एक एक पहिया का गाड़ी जैसे हो जाएगा, तो इसलिए वो आगे तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ जो है इसलिए दर्शाया गया है कि जैसे आप जो जो चीज़ आप कर्म कमाएगा वही फल पाएगा। आप जैसे बुरा कर्म कमाएगा तो हेल में जाएगा, हंग्री गोस्ट में जाएगा, या एनिमल वर्ल्ड में जाएगा। ये इसीलिए ये चीज़ जो है, देखिए कोई खेती काम करने वाला, कोई सजा दे के ऐसे किया वाला दर्शाया गया है, कोई जैसे देखिए कहीं राजा की तरह बैठा हुआ है। ये चीज जो है आप अपना कर्मों का ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसको ये दर्शाया गया है। हमारे
भगवान बुद्ध द्वारा प्रचार किए गए ग्रंथ है, जो कि यह स्क्रिप्ट जो है तिब्बती लैंग्वेज में है और इससे नालंदा से ले गया है। नालंदा से पाली भाषा में था, पाली का स्क्रिप्ट में था, तो उसके बाद महाराज थिसुंग देवसेन का समय में तिब्बत में गुरु पद्मा संभव और ये बुद्धिसत्वा जो कि वहाँ का एक मुख्य प्रोफेसर था, तो उनके उनके धातु में ले गया था। तो जैसे पहले तो हिमालयन रीजन के लोग तिब्बत से लेके जो भी जहाँ भी जो हिमालयन रीजन में जो लोग निवास करता है वो सब बोन रीजन से बिलोंग करता था। बोन रीजन जो कि आप लोग जानते होंगे, बोन रीजन जो कि बाली चराता है और जैसे पहाड़ लकड़ी पत्थर को पूजा करता है, तो ऐसे प्रकार का था। तो बाद में जब 7th century में भगवान बुद्ध ने पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि उनका दो जगह में विभक्त होगा उसका शासन, धर्म शासन, जो कि एक उत्तर दिशा की ओर जाएगा और एक दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। दक्षिण दिशा के जो कि अभी हम लोग डिस्कस किया था कि दक्षिण दिशा में जो किया वो हिनयान, तो उसका बाद जो उत्तर दिशा में जो किया है तिब्बत, तो वो तिब्बत में जो है चार भाग में विभक्त होगा, जो कि ये अभी चार सेक्ट में बांटा गया है, निम्मा साक्या काग्यू गेलुक। और ये स्क्रिप्ट जो है फिर सभी टाइप पढ़ता है, सभी एक ही स्क्रिप्ट होगा, सिर्फ आपका जो क्या बोलता है अनुष्ठान जो रिचुअल बोलते हैं ना, तो पूजा पाठ करने का तरीका अलग है लेकिन धर्म ग्रंथ एक ही है। और ये जो है इसी से ले गया है जो 7th century में भगवान बुद्ध द्वारा भविष्यवाणी किए गए अनुसार नालंदा से तिब्बत तक उसको ले गया है। और तिब्बत से पहले गुरु पद्मा संभव द्वारा तिब्बत में जो बन रीजन को पूरी तरह से शांत करा के स्थानीय देवी देवताओं को बलिमुक्त करके पूजा का परंपरा को उसने परिवर्तित करके तब उसके बाद तिब्बती स्क्रिप्ट बनाया और सभी जो पाली या संस्कृति भाषा में जो लिखा गया है वो सभी को तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट करके तो आजकल हम लोग ये तिब्बती भाषा में पढ़ाया जाता है। नहीं सर, भगवान एक ही स्थल का एक ही मार्ग का ही भगवान होता है जो कि गौतम बुद्ध है। और उसका साथ में हम लोग जो महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए हम लोगों को मार्ग खोजना पड़ता है, तो मार्ग खोजने में हम लोग इतना भी क्षमता नहीं होता है कि हम लोग पूरी तरह जैसे गौतम बुद्ध की तरह पूरा 6 वर्ष तक तपस्या करके चावल या किसी चीज़ का एक दाना खा के, अनाज का एक दाना खा के उन्होंने तपस्या किया, शायद हम लोगों का कोई ऐसे बस की बात नहीं। इसलिए उसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी चढ़ के जो आगे बढ़ने के लिए, तो इसको एक 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 एक, एक देवता या भगवान को दर्शाया गया है जो कि मंजूश्री, जैसे मंजूश्री दिखाई देता है या अवलोकितेश्वर दिखाई देता है या तारा देवी दिखाई देता है, उसका एक 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 करके आप लोग मंत्र का एक स्टेप बाय स्टेप होता है जो कि आपका एक सीमा होता है, जो कि हम लोग तपस्या करके सबसे पहले कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला का जाप करना है, सबसे पहले हम तारा देवी का करेगा, तो उसका बस उसके बाद हम मंजूश्री का करेगा, उसके बाद हम अवलोकितेश्वर का करेगा, तो उसका अलग 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 का मार्ग दर्शाया गया है जो कि इसका एक एक समस्या का हल निकलने वाला समाधान का एक स्थान है जो कि मंजूश्री का दिमाग बोलते हैं ना, जो कि प्रज्ञा का देवता है, उसके बाद अवलोकितेश्वर करुणा का देवता है, गुरु पद्मा संभव जो कि अदृश्य या कोई
जैसे भूत प्रेत ये चीज को शांत कराने का देवता है। उसके अलावा तारा देवी 21 प्रकार का रूप धारण है, जो कि 21 प्रकार का समस्या का जो समाधान है। तो इसी प्रकार का जो अलग 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 से, तो कोई लोग पूछता है कि भगवान बुद्ध तो एक है, लेकिन इतना सारा आपका भगवान क्यों है? तो इसमें जो अलग 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 आपको आसान करने के लिए आपको अलग अलग, जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए हम लोगों को अलग 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 देवता दिया गया, लेकिन सबसे मुख्य जड़ जो है भगवान बुद्ध ही है। So, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। Myself Nawang Sring Thongwon and I have tours and travels which is known as Pine Creek Tours and Adventure, and I am doing here paragliding. He's the first person to do paragliding in Shergaon. Yeah. So this winter I am organizing my paragliding. Nice. Everyone can join me. Yeah, if I'm around I'll also join. Yeah. But then yeah. Okay. If you want to come and try paragliding in Shergaon, this is the person you want to meet. Okay. And many other adventurous sports are going to be started here, like ATV, rope climbing, hiking, trekking, Reiki track, and all the thing I'm going to start from winter. Nice. So please come and visit. All the best for it. Okay. Thank you. Thank you. ये भाई तो भाग रहे हैं से। चलो, बताओ आपके बारे में। So hi guys, I'm Prem. Prem Sering Thongdok. I'm an entrepreneur and I do everything to lose all the money I have. Okay, I'm all set. As we all do. So अभी हम अंदर जाके जलाने वाले हैं। दिया। So whatever you do in Buddhism is always in odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9 like that. 21, 49. Okay. So if you're going to light the lamps, make it 3 or make it 6 or make it 5 or make it 9. We can make one also, right? Yeah, you can make one also, but I suggest make 3 at least. Okay. One for yourself and one for your family and one for the whole world. Oh, nice. You please start. I'll hold it. Give it to me. Usually open the cap for respect. Mm-hmm. Whenever you do religious deeds, always it's preferred to open your hat. Mm-hmm. After the lamps, you always like with fire element, little bit of water, not to douse it, just for the symbolic significance. Okay. That's it. A small one, it's called Chepan. It has become very popular with bikers and all the cars. Yeah. So the significance of that is like you buy it from the shop as usual and then you give it to the monks. They'll say some prayers for your good wealth and health and your like good life. For wealth comes before. So what happens is when you hang it up, so what is believed that the prayers will go with the wind and the wind goes everywhere. Mm-hmm. So these prayers will be with you everywhere. Nice. So that's the significance of Chepan. Nice. Actually, it was hung up in all the trees out there. Mm-hmm. But the youth have taken an initiative of putting it up in one place. Okay. So that it doesn't make a mess everywhere. Nice. So this is the real reason behind all the bikers, car people who go to Leh Ladakh. Exactly. Tie this in their cars and bikes. And I also have it in hope. इसके दोपहर दो किस्म का है, एक फो, एक मोटा होता है, एक मैकी होता है, ये वाला। हर एक लकड़ी में आपको एक मोटा होगा, एक मैकी होगा। सारा आपको जितना ये लकड़ी है ना, जितना पेड़ है, ये मोटा मैकी होता है। एप्पल में भी मोटा मैकी अगर नहीं लगाएगा, सिर्फ मैकी लगा कर रख दे, अप्पल नहीं होगा, दोनों को सारा लकड़ी में आपको मोटा मैकी होते हैं।
इसलिए थोड़ा सा ताड़ने में भी मोता का जो है ना तान होगा और थोड़ा माइकी का जो है थोड़ा नरम होगा। हर एक पैर में आपको एक ही नहीं होता है, दो होता है। सैंक्टिफाई द एरिया। ओके। धुआं से जो होता है ना। हम यहाँ पे गुम्पा के पास थे और पीछे यहाँ पे बहुत काम हो रहा था, तो आके पूछे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब हमने भैया जी को मिले थे, ये एक्चुअली PhD किए हैं फॉरेस्ट्री में, सब कुछ पता है पौधों के बारे में इनको। और ये बताए, ऐसा एक स्टोरी यहाँ पे बताए कि विच यू गाइस शुड नो, एंड दिस स्टोरी शुड स्प्रेड टू ऑल द विलेजेस, एंड आई होप दैट ऑल द विलेजेस स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस टेक्निक। सो प्लीज सर। Hello, myself Lobzang Tashi Thungan, and I'm from a small village called Shergao. It's in western Arunachal Pradesh, eastern Himalaya. और जो शेरगांव है वो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे द शेरगांव इज़ वेरी वेरी फेमस, लाइक इट्स अ गुड प्लेस फॉर द नेचर लवर्स, एंड द बेसिकली द पीपल कम्स हियर फॉर इंजॉइंग दिस नेचर ब्यूटी ऑफ नेचर ब्यूटी। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं वो वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द इथनो मेडिसिन ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे बहुत से ऐसे इथनो मेडिसिन, मतलब एक मेडिसिनल प्लांट है जहाँ पे बहुत से रेमेडीज वगैरह वगैरह है, लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू टू द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, द पीपल हैव फॉरगेटिंग दिस द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ दिस प्लांट्स। तो हम लोगों का ये कोशिश है कि जो यहाँ पे मेडिसिन इम्पोर्टेंट मेडिसिन प्लांट्स है, जो एक डायबिटीज़ को ठीक कर सकता है, एक जॉइंट फ्रैक्चर को भी वो ठीक कर सकता है, आई का जो प्रॉब्लम है, एंड देन प्रेशर का जो प्रॉब्लम है, जो एक स्मॉल स्मॉल स्केल्स में जो हम लोगों का मेडिसिन का जो हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है, जो दूर दराज हम लोगों को मेडिकल में जाना होता है वो ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पर हो सकता है। तो इनका ये प्रॉब्लम आजकल ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी यही इम्पोर्टेंट जो है वो गायब होता है। तो हम लोगों का एक कोशिश है कि यहाँ के जितने भी मेडिसिनल प्लांट है उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट हो, कि उस पर मैंशन हो कि ये प्लांट जो है इसी के लिए यूज़ करता है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, एंड देन व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ दिस प्लांट्स। वो जो है हम अपने लोकल लोगों को ही बताना है कि आपके घर के सामने में जो एक आप जो घास समझ रहे हैं वो घास नहीं बल्कि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन्हीं का एक इस तरह से हम लोग ने सोच के ये एक मेडिसिनल गार्डन बना रहा है, मेडिसिनल प्लांट गार्डन बना रहा है, जो लोग इसको भी अपने पोटेंशियल अपने घर में अपने बस्ती में क्या क्या प्लांट्स इम्पोर्टेंट प्लांट्स है उसी को वो जाने। तो इसी का ही कोशिश हम लोग कर रहे हैं, एंड वी होप दैट द पीपल विल लाइक इट। एंड ये एक छोटी सी कोशिश है एक ईस्टर्न हिमालय में, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक अच्छा कोशिश है और अच्छा इसका आउटकम रहेगा। ये कोशिश यहीं नहीं, आई जस्ट विश कि हर गांव में लोग इसको अडेप्ट करें और यंगर जनरेशन को सिखाएं कि अपने सरोनिक्स में कितना अच्छा अच्छा चीज़ है। आपको तो पता है पहले जब भी बुखार होता था, जुकाम होता था, तो घर में बस हल्दी दूध पिलाते थे। Exactly. अभी तो भागते हैं कफ सिरप खरीदने, पैरासिटामोल के लिए भागते हैं। हाँ, वही सर दर्द के लिए पैरासिटामोल ले लो। एक्जेक्टली। सो यू डोंट हैव टू ऑलवेज डिपेंड ऑन मेडिसिन, आपके अराउंड जो नेचर है यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम द नेचर। सो थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस एफर्ट, कीप रॉकिंग। थैंक यू। वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज ऐसे उग रहे हैं यहाँ पे, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। Nice, little sweet, yeah, really fresh. So many strawberries here.